Assalamu alaikum. कुछ साल पहले जब पाकिस्तान में SUVs का ट्रेंड शुरू हुआ और स्पेशली कम्पैक्ट SUVs का ट्रेंड शुरू हुआ तो सुजुकी ने मुतारिफ कराई विटारा. दिस इज़ अ कार दैट इज़ अ CBU. ये पाकिस्तान में नहीं बनती, ये कम्प्लीटली इम्पोर्ट की जाती है और आज हम आपके लिए इसका फुल रिव्यू लेकर आए हैं. गाड़ी के रिव्यू में हम कंसिडर करेंगे चार चीज़ें, गाड़ी का एक्सटीरियर, इंटीरियर, फीचर्स और परफॉर्मेंस. गाड़ी के पीछे आपको मिलेंगी विटारा की स्पेसिफिक टेल लाइट्स, उससे नीचे विटारा के इंसिग्निया, दरमियान में सुजुकी का एम्बलम और उसके बाद आपको मिलेगा बूट. गाड़ी के बूट में स्पेस काफ़ी है. अगर आपको मजीद स्पेस चाहिए हो तो आप पिछली सीटों को कोलैप्स भी कर सकते हैं, कोलैप्स करने के बाद आप मजीद स्पेस पैदा कर सकते हैं. इसके अलावा बूट के अंदर लैंप भी दिया हुआ है जिसकी मदद से आप रात के टाइम पे आराम से अपनी चीज़ें देख सकते हैं और उस लैंप के बिल्कुल साथ 12 वोल्ट की सॉकेट दी हुई है जिस पर आप इन्वर्टर लगा के अपनी मुख्तलिफ चीज़ों को चार्ज कर सकते हैं या अगर आप मुख्तलिफ काम करने चाहें तो वापस से कर सकते हैं. 12 वोल्ट की पावर आपके पास अवेलेबल होगी. बूट जो है वो दो स्टेजेस में है, अगर आप चाहें तो नीचे वाले को बिल्कुल रिमूव भी कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो उसको दो स्टेजेस में इस्तेमाल भी कर सकते हैं. टॉप के ऊपर आपको इस सॉफ्ट मटेरियल का एक छोटा सा आपको डिवीजन मिल जाती है जिसके ऊपर आप चीज़ें रख सकते हैं, लेकिन बी केयरफुल, ज़्यादा भारी चीज़ें इसके ऊपर मत रखिएगा, वो रखने से ये चीज़ ये टूट भी सकती है. गाड़ी में एक और अच्छी चीज़ ये है कि इसके रियर विंडो के ऊपर वाइपर मौजूद है. गाड़ी के रियर लेफ्ट पे है आपका फ्यूल लेट और फ्यूल लेट के बिल्कुल नीचे आपको व्हील की आर्चेज नजर आएंगी. द आर्चेज आर ब्लैक इन कलर बट दे लुक रियली स्टनिंग व्हेन द कार इज मूविंग. इस गाड़ी में रिम दिए गए हैं 16 इंच के, ऑल ऑफ देम आर अलॉय रिम्स और उसके साथ आपको क्वांटी के टायर्स मिलते हैं. दे आर रियली नाइस एंड दे परफॉर्म रियली वेल ऑन द रोड. गाड़ी के फ्रंट में आपको फॉग लैम्प्स दिए हुए हैं. फॉग लैम्प्स के बिल्कुल ऊपर आपकी हेडलाइट्स हैं जिसमें लो बीम और हाई बीम दोनों शामिल हैं. हाई बीम लाइट्स आपकी LED लाइट्स हैं. गाड़ी की हेडलाइट्स अच्छी क्वालिटी की हैं, अच्छी बीम आपको प्रोड्यूस करके देती हैं. हेडलाइट्स के बिल्कुल दरमियान में क्रोम ग्रिल है. द मॉडल दैट वी हैव राइट नाउ इज GL+ और GL+ में जो ग्रिल दी गई है दैट इज स्मोक्ड क्रोम ग्रिल, यानी कि वो ग्रे कलर में आती है. दरमियान में सुजुकी का एम्बलम है. GLX में इस एम्बलम के बिल्कुल पीछे आप RBS यानी कि रडार ब्रेक सिस्टम मिलता है, लेकिन GL+ में आपको रडार ब्रेकिंग सिस्टम नहीं मिलता. फ्रंट व्हील्स के बिल्कुल ऊपर लेफ्ट और राइट पे आपको साइड इंडिकेटर लैंप्स मिलते हैं. साइड व्यू मिरर्स में ये लैंप्स मौजूद नहीं है. दोनों तरफ के दरवाजों के ऊपर आपको क्रोम फिनिश नहीं मिलती हैंडल्स के ऊपर, बल्कि आपको बॉडी पेंटेड हैंडल मिलते हैं, लेकिन अगर आप GLX मॉडल लेंगे तो ये हैंडल आपको क्रोम के मिलेंगे. तो गाड़ी की बैक सीट्स के मुताबिक अब ये हमारे दानिश भाई जो है माशाल्लाह 6 फुट के हैं, तो अकॉर्डिंग टू हिम ही हैज़ गॉट इनफ स्पेस और वो बिल्कुल आराम से वहाँ पर बैठे हुए. गाड़ी की सीट्स के ऊपर जो है वो आपको लेदर नज़र आ रहा है, ये बेसिकली गाड़ी के अंदर ऑलरेडी लगा हुआ नहीं आता, ये हमने खुद बाद में लगवाया है. ओरिजिनल में GL+ की सीट्स जो हैं दे आर फैब्रिक सीट्स. ड्राइवर कंफर्ट की अगर हम बात करें तो आई थिंक द सीट्स आर गुड. इसके अलावा ड्राइवर की सीट की हाइट एडजस्ट और उसका रेक एडजस्ट करने के दोनों लीवर जो हैं वो साइड पे दिए हुए हैं. इट इज़ मैनुअल, इट्स नॉट ऑटोमेटिक अनफॉर्चुनेटली, बट एटलीस्ट डोर के हैंडल्स जो हैं वो क्रोम के दिए हुए हैं. और डोर पॉकेट्स में एक आपको बॉटल रखने की जगह मिल जाएगी, साथ में आप अपने वॉलेट या कुछ और छोटी मोटी चीज़ें रख सकते हैं. इट्स नॉट मच ऑफ अ स्पेस. स्टीयरिंग के राइट साइड पर आपको आपके फॉग लैम्प्स, ट्रैक्शन कंट्रोल या जिसको हम VASP कहते हैं उसका आपको कंट्रोल यहाँ पे मिलता है. इसको आप लॉन्ग प्रेस रखेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा. उसके साथ आपको DHA का बटन मिलता है विच इज़ डाउन हिल असिस्ट, यानी कि गाड़ी जब स्लोप से नीचे जा रही है तो इट वॉन्ट इंक्रीज स्पीड टू मच. साथ ही आपको पार्किंग सेंसर का बटन मिला हुआ है. इफ़ यू प्रेस इट फॉर लॉन्ग पार्किंग सेंसर आपका ऑफ हो जाएगा, इफ़ यू प्रेस इट वंस ये दोबारा ऑन हो जाएगा. GL+ में पुश बटन नहीं है, पुश स्टार्ट नहीं है, आपकी नॉर्मल की आपको दी हुई है, उस की मदद से आप इसको स्टार्ट और स्टॉप कर सकते हैं. तो की के ऊपर आपका लॉक और अनलॉक का बटन है. अनलॉक करने के बाद आप जो है गाड़ी में इजीली एंटर हो सकते हैं, बट इट्स नॉट एन NFC की, ये NFC की नहीं है, की फॉब नहीं है. आपको जो है वो गाड़ी स्टार्ट करने के लिए की का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा. हाउएवर इसके अंदर इमोबिलाइजर दिया हुआ है विच इज़ गुड. गाड़ी के स्टेयरिंग व्हील के ऊपर राइट साइड पर आपको जो बटन नज़र आ रहे हैं दे आर द स्पीड लिमिटर, क्रूज कंट्रोल और दोनों का कैंसिल सेट और उसके बाद आपकी प्लस और माइनस का बटन मौजूद है और रिज्यूम का बटन भी मौजूद है. आपकी स्टेयरिंग व्हील के लेफ्ट साइड पर मोड, म्यूट, वॉल्यूम प्लस माइनस और चैनल शिफ्ट दैट इज़ प्लस माइनस का बटन आपको दिया हुआ है. ये बटन्स आपके गाड़ी के जो है वो नेविगेशन सिस्टम और मल्टीमीडिया सिस्टम्स के बटन है जो कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है. इसके अलावा मल्टीमीडिया सिस्टम के ऊपर आपका होम का बटन है, आप प्रेस करेंगे आप वापस अपने होम के ऊपर आ जाएंगे. नेविगेशन का बटन डेडिकेटेड दिया हुआ है, इनकेस अगर आप रेडियो यूज़ कर रहे हैं तो फिर आप प्लस माइनस करके ये प्लस माइनस आपके स्टेयरिंग व्हील के ऊपर जो है इसको प्लस माइनस करके आप चैनल चेंज कर सकते हैं. वी कैन कीप ऑन चेंजिंग और म्यूट दबा के हम उसको म्यूट कर सकते हैं.
उसके अलावा आपके नेविगेशन सिस्टम के बिल्कुल नीचे जो है क्लाइमेट कंट्रोल है, हीटिंग और कूलिंग दोनों फंक्शंस में मौजूद हैं। इसके बारे में ज्यादा डिटेल में हमें जाने की फिलहाल जरूरत है नहीं। बिल्कुल सेंटर कंसोल में एज पर द यूजुअल कार्स आपका पास आपका गियर लीवर मौजूद है। गियर लीवर में आपके पास पार्क, रियर, न्यूट्रल, ड्राइव और मैनुअल के फंक्शन मौजूद है। मैनुअल का फंक्शन इसमें इसलिए दिया हुआ है बिकॉज द कार हैज पैडल शिफ्टर्स। अगर मैं आपको यहाँ से दिखाऊँ तो दिस इज द पैडल शिफ्टर। आप इसको दबाएंगे तो आपके गियर चेंज होंगे। दिस साइड इज फॉर माइनस एज यू कैन सी द माइनस साइन एंड दिस साइड इज फॉर प्लस एज यू कैन सी द प्लस साइन। इसके अलावा आपकी गाड़ी जब ड्राइव मोड पे भी होती है आप तब भी पैडल शिफ्टर्स यूज कर सकते हैं। स्टीयरिंग के लेफ्ट साइड पे आपके इंडिकेटर का ऑफ कोर्स लीवर मौजूद है और इंडिकेटर के लीवर पे आपकी लाइट्स जिसमें बीम अप बीम डाउन और वो सारे के सारे फंक्शनलिटीज मौजूद हैं। लेफ्ट साइड पे आपका ये जो लीवर मौजूद है ये आपके फ्रंट के वाइपर्स और बैक के वाइपर को कंट्रोल करता है। इसके अलावा ड्राइवर की सेफ्टी के लिए आपके पास 7 एयर बैग्स इस गाड़ी के अंदर दिए गए हैं। देयर आर टोटल 7 एयर बैग्स। आपका एक स्टीयरिंग व्हील के अंदर, एक आपका पैसेंजर साइड के ऊपर, एक आपका ड्राइवर कर्टन, एक आपका पैसेंजर का कर्टन, एक आपका ड्राइवर का नी, एक आपका ड्राइवर का साइड और एक आपके पैसेंजर की साइड के ऊपर मौजूद है। सो देयर इज टोटल 7 नंबर ऑफ एयर बैग्स इन दिस कार। इसके अलावा दिस कार इज 4 व्हील ड्राइव। दैट मींस कि अगर जब भी चाहें आप इसको 4 व्हील ड्राइव को एंगेज कर सकते हैं और जब भी आपको जरूरत हो आप उसका फायदा उठा सकते हैं। आपने 4x4 को एंगेज करने के लिए अपने डायल को लेफ्ट साइड पे घुमाना है और जैसे ही आप लेफ्ट साइड पे घुमाएंगे आपके सामने स्नो मड लिखा हुआ आ जाए। और इसके अलावा आप टॉप पे देखेंगे MID स्क्रीन के तो आपको स्नो लिखा हुआ आ रहा है। वंस यू पुश इट बैक टू ऑटो ऑटोमेटिकली 2-wheel drive और 4-wheel drive में स्विच करती रहेगी। इसके अलावा इसी डायल के ऊपर जो दूसरा सेटिंग है दैट इज स्पोर्ट्स मोड। अगर आप गाड़ी को बहुत तेज भगाना चाह रहे हैं विच आई डोंट वांट टू डू बट सम यंगस्टर्स माइट, तो आपने गाड़ी के ड्राइव व्हील को आपने राइट पे रोटेट करना है एंड वंस यू डू दैट आपके पास स्पोर्ट लिखा हुआ आ जाएगा एंड नाउ योर कार इज रेडी टू पिक अप हर स्कर्ट्स एंड रन एट द फास्टेस्ट स्पीड शी कैन। अगर हम डायल क्लस्टर की बात करें तो आपको लेफ्ट साइड पे RPM का आपको गेज नजर आता है जिसके बिल्कुल नीचे गाड़ी का टेम्परेचर, और लेफ्ट साइड पे आपको आपकी स्पीड का डायल नजर आता है जिसके नीचे आपको एम्प्टी और फुल यानी कि आपके फ्यूल की कैपेसिटी नजर आती है। दरमियान में मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले है। दिस मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले लुक्स लाइक इट इज ब्लैक एंड व्हाइट बट एक्चुअली इट इज नॉट। सो यू कैन सी दैट इट्स एक्चुअली नॉट ब्लैक एंड व्हाइट, इट इज कलर्ड, लेकिन इसने सर्टन मोड्स के लिए डिफरेंट कलर्स हैं इसके गाड़ी के अंदर। मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले के अंदर आपको आपकी इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी नजर आ रही है विच यू कैन चेंज बाय प्रेसिंग द बटन ऑन द लेफ्ट साइड राइट साइड सॉरी। इसके अलावा आप इसी बटन को रोटेट करें अपने लेफ्ट साइड पे, जैसे हम इसको लेफ्ट साइड पे रोटेट करेंगे आपकी LCD की ब्राइटनेस का कंट्रोल आ जाएगा, आप उसको कम या ज्यादा कर सकते हैं अगर आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है तो। इसके बाद आप इसी को लॉन्ग प्रेस करें, आप जब लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे तो आपके पास सेटिंग मोड आ जाएगा जो आपका लेफ्ट साइड का है डायल गेज के ऊपर जो लीवर है। आप इसको जब प्रेस करेंगे तो आपके पास ट्रिप ए और ट्रिप बी ये दोनों चीजें आती रहेंगी। इसके अलावा जब आप इसको लॉन्ग प्रेस करेंगे तो आपका ट्रिप ए अभी ऑलरेडी जीरो हो गया, नीचे आप प्री जीरो हो जाएगा। इसी तरीके से आप अपनी एवरेज फ्यूल इकोनॉमी और बाकी पैरामीटर्स को जीरो कर सकते हैं। सेंटर में क्लॉक दिया हुआ है, इट्स एन एनालॉग क्लॉक एंड इफ यू आस्क मी इट रियली लुक्स ब्यूटीफुल। इसके अलावा बैक व्यू मिरर दिया हुआ है, एज पर यूजुअल इट इज अ डबल रिफ्लेक्शन मिरर। आप बिल्कुल सेंटर में आ जाएं तो आपके पास जो है आपकी मैप लाइट्स हैं, मैप रीडिंग लाइट्स हैं, आप दोनों को इंडिविजुअली स्विच ऑन और स्विच ऑफ कर सकते हैं। कि दोनों साइड पे ड्राइवर और पैसेंजर साइड पे आपका जो वैनिटी मिरर दिया हुआ है उसमें दोनों में लाइट मौजूद है। और फाइनली आपके केबिन में आपकी केबिन लाइट दी हुई है जिसको आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। अगर आप रियर हैंडल को देखें तो दोनों के पास कोट की हुक दी हुई है आपको। इसके अलावा अगर हम रियर की बात करें तो आई थिंक 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं, 2 मेरे ख्याल में बड़े और 1 बच्चा तो आराम से पीछे बैठ सकते हैं, इट्स एनफ स्पेस ओवर देयर। तो अब हमने गाड़ी की बहुत सारी चीज़ों की बात कर ली और बहुत सारे फीचर्स मैंने आपको बता दिए, और इसमें बहुत सारे फीचर्स आर रियली नाइस एंड दे आर रियली हैंडी, दे आर वेरी गुड एज वेल। अब हम कुछ उन चीज़ों की बात कर लें जो कि इस गाड़ी में अच्छी नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये साइड मिरर्स देख रहे हैं, इस गाड़ी में ये साइड मिरर्स पावर है नहीं, अगर कराने पड़ेंगे आपको, आई मीन यू कैन मूव दम अप एंड डाउन राइट एंड लेफ्ट, आप सब उसमें कर सकते हैं लेकिन आप इनको बंद नहीं कर सकते। बंद करने के लिए आपको अपने हाथ से ही बंद करने पड़ेंगे मिरर्स। सेकेंडली एवरीथिंग इज गुड इन दिस कार एक्सेप्ट ड्राइवर के पास जो है वो अपना आर्म रेस्ट नहीं है लेफ्ट वाला। इतनी अच्छी अगर आप गाड़ी बना के दे रहे हैं, सब कुछ आप करके दे रहे हैं, तो आप 4,000 rupees का आप आर्म रेस्ट क्यों नहीं बना लगा के दे सकते। Now, final thoughts about this car. मेरे ख्याल में this Vitara is a very good car. It's an excellent car. It's a good value for money. I mean, अगर आप इसकी ज़ाहरी शेप पे जाएं और इसके अंदर के प्लास्टिक की इंटीरियर पे जाएं, तो बहुत सारे लोग they just get, you know, buzzed off कि यार it doesn't look very nice. But trust me, it does. And it does really perform well. It is one of those cars के जिनको आप इस्तेमाल करना शुरू करते हैं तो आपको आहिस्ता आहिस्ता उनसे मोहब्बत होती जाती है। And if you ask me, this car has not disappointed me and I am very sure ki inshallah ye aapko bhi disappoint nahi karegi.